मतलब पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है जी उसको ध्यान में रखकर सिलेबस के अंदर इम्पार्ट कर दिया जाता है, और उसी को चूंकि हम लोग ध्यान देके पढ़ाते हैं तो इनकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हमारे यहां पर जो सिलेबस है, पेडागोगी है, उसमें हम लोग इंडस्ट्री के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे सारे बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे फैकल्टी मेंबरान जो हैं काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो वन ऑफ द बेस्ट है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उस सारों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग नंबर वन है साइबोटेक कैंपस, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हम लोगों का ये बिल्कुल प्रयास होता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कैरियर बनाने आते हैं, उनको हम लोग उनके आईक्यू के हिसाब से पढ़ाई खत्म होने के बाद जो रिक्वायरमेंट है उसको प्लेसमेंट सेल के द्वारा, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जी जी कि साइबोटेक कैंपस में फुल फ्लेजेड प्लेसमेंट सेल काम करता है। इसमें सारी वो प्रयास होती है, जैसे अभी हाल में ही हम लोगों ने टेक ऑफ करके एक संस्थान है उसके साथ एमओयू किया है, और स्पेशली पीडीपी और कम्युनिकेशन के ऊपर इनके द्वारा क्लासेस कराए जाते हैं, जी और इस पूरे क्लासेस के पीछे मकसद ये है कि जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का वो हम लोग फुलफिल कर सके। ये लेकिन जब यही मैं जो बताऊंगा। कई बैच भी निकल गया निकला होगा और अब उसके आधार पर आप लोगों के पास अपना अनुभव भी होगा, बिल्कुल संभावनाएं क्या हैं जब यहां से पढ़ाई पूरी हो जाती है, कोर्स पूरा बिल्कुल हो सही। जाता है तो इसको लेकर? देखिए संभावनाएं, देखिए एक शिक्षा संस्थाएं जो होता है, कोई भी शिक्षा संस्था, वो एक सिलेबस को फॉलो करता है। पढ़ाई के दरमियान यदि वो सिलेबस जो रिक्वायरमेंट है उसको देखकर यदि बनाया गया हो, या कभी काल उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं जी कि हम सभी लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जी जी अभी 2007 वर्जन यूज हो रहा है, और यदि हम लोग एक्सपी पढ़ा रहे हो वर्जन में, तो निश्चित तौर पर बच्चों को तो काफी परेशानी होगी जब वो जाएगा काम करने के लिए। तो ये बड़ा छोटा और बारीक अंतर है जिसको कि हम लोग बड़ा मेथोडिकली ध्यान देकर करते हैं। बिल्कुल। एक छोटे से जी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक का वक्त है और लौटेंगे तो बात करेंगे हम कि इस तरह के जब इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं तो समाज को भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस से काफी उम्मीदें रहती हैं और योगदान भी देते हैं, तो किस तरह का योगदान और भविष्य की क्या है आपके इंस्टीट्यूट की योजना प्लानिंग, इस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Diamond jewelry for a special togetherness. जिस बंदे ने तेरे को कद्दू बनाया ना, उसने मेरे को भी। बाल खान नाम के एक आदमी ने हमसे 10 लाख रुपए आए थे। हम उस कौन को कौन करेंगे? शोर इन द सिटी कल दोपहर 12:30 और रात 8:30 सहारा वन पर। स्वागत है आप सभी का और आज करियर टिप्स में हमारे साथ हैं साइबोटेक कैंपस के वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत कुमार जी। अभिजीत जी, इस तरह के जब इंस्टीट्यूट खुलते हैं तो समाज को बड़ी उम्मीद होती है, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति क्या आप लोगों का अब तक योगदान रहा है और क्या आप आगे करना चाहते हैं? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब भी वो शुरुआत